सो वेलकम बैक टू चैनल। तो आज बेसिकली मैं कुछ टॉपिक रिलेटेड बातें नहीं करूंगा, आज एग्जाम रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, रेस्पिरेटरी जो पैथोलॉजी है। अक्सर क्या होता है, क्या पढ़ना है यूनिवर्सिटी के लिए वो नहीं पता होने के कारण जो है एग्जाम में कभी कभार बैक आ जाते हैं अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को भी। तो यहाँ पे बेसिकली यूनिवर्सिटी पर्पोज के लिए, मैं नीट पीजी या नेक्स्ट पर्पोज के लिए नहीं कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी पर्पोज के लिए रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी का कौन सा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो किसे किसे पहले पढ़ना है, उसके बाद टाइम मिले तो किसे देख सकते हैं हम, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आई होप पहले किताब की बातें आती है यहाँ पे। अगर कोई रॉबिन्स पढ़ रहा है तो अच्छा किताब है, खराब किताब नहीं है, बट थ्योरी एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए क्या लिखना जरूरी है, कौन सा इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, उसके लिए हर्ष मोहन पे आना ही है। तो हर्ष मोहन भी पहले से ही थोड़ा बहुत देख लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। रॉबिन्स इज वेरी गुड फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद टॉपिक में देखते हैं, जब इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक में से सबसे पहले आ जाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट नोट दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप बेसिकली पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एक्चुअली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम अगर क्या है, तो एक प्रोग्रेसिव इंसफिशियंसी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है। अब डिटेल्स में बाद में पढ़िएगा, क्योंकि मैंने कहा ये थ्योरी पर्पोज के लिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है न्यूमोनिया। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स आते रहते हैं, इनमें से भी जो एक न्यूमोनिया का जो लोबर न्यूमोनिया वाला पार्ट है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी पर्पोज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर टाइम बहुत ही कम है तो लोबर न्यूमोनिया, न्यूमोनिया से पहले लोबर न्यूमोनिया देख ले, टाइम बहुत ही कम हो। बट ऐसा तो नहीं हो सकता न्यूमोनिया बिना समझे लोबर न्यूमोनिया पे आ गए, तो इसलिए। बट एज ए क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से लोबर न्यूमोनिया ज़्यादा आते हैं, जितना मैंने नोटिस किया है पिछले 20-25 साल का पेपर देख के। उसके बाद का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है सीओपीडी, और उसके अंदर में जितना भी डिजीज आते हैं सीओपीडी में, सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनका पर्सनल शॉर्ट नोट भी आते हैं। अब कौन सा डिजीज आते हैं सीओपीडी में, आपको पता है, जैसे आ जाता है आपका एम्फाइसिमा, इट्स रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एम्फाइसिमा सीओपीडी से भी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। मतलब पर्सनली सीओपीडी लिखो ऐसा नहीं, एम्फाइसिमा लिखो काफ़ी बार आते हैं। ब्रोंकियल एजमा इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड शॉर्ट नोट भी आते हैं, ब्रोंकियेक्टेसिस भी आते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का जो क्वेश्चन है या पर्सनल शॉर्ट नोट्स है, ज़्यादा मुझे नहीं मिला, बट सीओपीडी के हिसाब से आते हैं। मतलब सीओपीडी जब आएगा वहाँ पे आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी लिखना पड़ेगा। उसके बाद का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं कि काफ़ी बार शॉर्ट नोट्स आते हैं, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन कम ही आते हैं, न्यूमोकोनियोसिस और उसके अंदर के जो डिजीज होते हैं, जैसे सिलिकोसिस हो गया, एस्बेस्टोस डिजीज हो गया, कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस हो गया। अच्छा, यहाँ पे एस्बेस्टोस डिजीज में से एक और शॉर्ट नोट आ जाता है एस्बेस्टोस बॉडी, वहाँ पे एक जो हिस्टोपैथोलॉजिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है एस्बेस्टोस बॉडी, उसका कभी कभार शॉर्ट नोट आ जाता है। एंड इसके बाद है ट्यूमर्स ऑफ लंग, ट्यूमर्स ऑफ लंग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसका जो क्लासिफिकेशन है उसका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और बेसिकली आपको ओवरऑल कर्सिनोमा देख लेना है लंग का,
उनमें से भी जो स्टेजिंग ग्रेडिंग वगैरह भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, और उनमें से जो ब्रोंकोजेनिक, ठीक है, फिर आपका एडेनोकार्सिनोमा, पेरानियोप्लास्टिक कार्सिनोमा जो है वो सब ज़्यादा आते हैं। कभी कभार स्क्वामस सेल वाला भी आते हैं। तो बेसिकली ये सब क्वेश्चन था। अगर ये देखेंगे तो आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम पर्पोज में रेस्पिरेटरी डिजीज है वो हो जाता है। तो आज का वीडियो यही तक ही था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।